हमें अपने बारे में चिंता से ज्यादा चिंता करना चाहिए। मैं आज ही देख रहा था कि कोई आज 25 पे आ रहा है, कोई आज 30 पर आ रहा है। भारत के लिए छाती चौड़ी करने वाले लोग अपना समय नहीं दे सकते। तो हमने कहा कि हम ज्यादा पढ़ेंगे, हम देश ये क्या हुआ 70 साल पहले लोगों ने जाने दी, शहीद हुए उनके नाम भी नहीं लिखे गए, ऐसे लाखों लोग शहीद हो गए नाम भी नहीं लिखेंगे। जो लोग मुख्यधारा में थे उनके नाम तो लिख गए, जो दाएं बाएं गांव छूटा वर्ग में थे सभी में थे उनके कहीं नाम नहीं आए। तो हम ज्यादा बड़ी बात ना करें, सिर्फ इतना कर लें कि हमें जो आज देश समाज ने कर्तव्य दिया हम उसे नहीं करें। हमें कहीं फांसी पे से चढ़ना नहीं, हमें कहीं विधानसभा में पद को फेंकना नहीं, ना हमें पैरों के कान खोल लें, हम अपनी गिनती कर ले यार, वही बात है। अगर हम अपने खून को पसीना इस संस्थान के लिए बना दें तो हम गर्व से कहते हैं भारत माता की जय। पूरी जय है, अगर हम अपना काम करते जाते हैं तो पूरी जय है, बाकी तो सब बातें हैं। लेकिन हमारा होना हमारे काम से तय होता है। अब ज्यादा बात हम नहीं करेंगे। कहते हैं कि अपना अस्तित्व बचाने को अपनों से लड़ना पड़ता है, अपना अस्तित्व बचाने को अपनों से लड़ना पड़ता है। जब भीष्म शरण में रक्षक हो तो अर्जुन मंत्र पढ़ता, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आप सबसे यही आह्वान करता हूं कि आप अपने पथ पर अडिग रहें, अपने गुरुजनों का सम्मान करें, अपने विषय का सम्मान करें, अपनी उस व्यवस्था का सम्मान करें जिसमें आप रहते हो। जैसे कि मैंने कहा, मैंने कहा मैं ज्यादा नहीं जानता, मैं इतिहास नहीं पढ़ा, मैं विद्यार्थी नहीं रहा, इतिहास का पूर्व था, मैं बेहतर था। तो आप यहाँ स्टूडेंट के रूप में आए हैं, आप समय से आने का प्रयास करें, आप यूनिफॉर्म में आने का प्रयास करें, जब आप संस्थान में आ जाएं तो क्लास में बैठने का प्रयास करें, जो भी एक्टिविटी हो उसमें अनुशासित रहें, उसमें पालन करें, पीछे से रोटिंग ना करें। मुझे लगता है इससे आप एक सही ट्रैक पर जाएंगे, आप तरक्की करेंगे, आपका परिवार तरक्की करेगा, आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, लेकिन हम भी आप पर गर्व करेंगे कि हाँ हमारे बच्चे इस टाइम आए। एक दिन गली से निकल रहा था मैं सुबह स्कूल में जाते हुए, एक बच्चे ने कहा ये तो टोलू का गुरु है। तो यानी हम इस सच्चाई से बच नहीं सकते, आने वाला वक्त उस संस्थान का इलाज कर ले, कोई नहीं लिखेगा तो मैं स्वयं लिखूंगा। और इस इतिहास में पन्ने इस बात के गवाह होंगे कि किसने इतना काम किया है, हिंदुस्तान का नाम किया।